हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक न्यू एक्सेल की शीट, जिसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से आपको जो है एक्सेल पे प्रैक्टिस करनी है और जो आपका स्किल टेस्ट है एसएससी सीजीएल सीपीटी का, वो कैसे आपको बेहतर तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें मैं कवर करा रहा हूँ सीरीज़ के अंतर्गत। जितनी भी न्यू टाइप की सीरीज़ हैं उनको आप कवर जरूर कर लीजिएगा, सारे के सारे प्लेलिस्ट को आप देख लीजिएगा, ताकि आप पावर पॉइंट और एक्सेल दोनों को ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और कुछ भी किसी भी तरह का आपको पूछा जाता है आपके एक्चुअल एग्ज़ाम में, आप उसको शीट को अच्छे से कर पाओगे, राइट। और आपके अंदर ऑलरेडी इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा अगर इतनी चीज़ें अगर आप कर लेते हो ऑनेस्टली तो। ठीक है, तो अलग से कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जस्ट उनको प्रैक्टिस करते जाइए, राइट दोस्तों। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप इन बुक्स को ले सकते हो जो सीपीटी एंड डीएसटी के लिए मिल जाएगी आपको। यहाँ पर 100+ प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें टाइपिंग के ही प्रैक्टिस सेट्स हैं। 25 आपको एमएस एक्सेल के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 25 जो है आपको पावर पॉइंट के प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ इनका वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिल जाता है। ठीक है, और एक्चुअल एग्जाम बेस्ड सेल्स होते हैं, सेट्स होते हैं, लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाएंगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इन बुक्स को ले सकते हो डिस्काउंटेड रेट्स पे, राइट दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से शीट आपको मिलेगी, जब आप बेसिकली एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको एक प्रिंटेड शीट मिलेगी, उसमें कुछ इस तरह का शीट मतलब वो हार्ड कॉपी आपको दी जाएगी। ठीक है, उस हार्ड कॉपी में जो जो चीज़ें होंगी उसी के हिसाब से आपको सारी चीज़ें करनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपको ये पूरी ये डेटा दे दिया गया, ये हार्ड कॉपी के फॉर्म में होगा, आपको जस्ट इसको टाइप करना होगा और उसके नीचे ही कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे इस तरह से। ठीक है, तो उन इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ते चले जाना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखते हैं किस तरह से आप इसको एक्सेल पे बनाओगे, शीट को कैसे आप प्रिपेयर करोगे। तो हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं एक्सेल की शीट पर, राइट। तो दोस्तों ये आपको शीट दी गई है, अब इसी शीट को आपको प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, इसमें जो जो चीज़ें दी गई हैं उसके फॉर्मेट को एज इट इज़ टाइप कर लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली फॉर्मेटिंग करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है यहाँ पर, तो मैं जस्ट आपको सिखाऊंगा आपको फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, टाइप कर लेना है। ठीक है, जो चीज़ें दी गई हैं उसको जस्ट आप टाइप करते चले जाइए, इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, उन इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको इसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, करना कैसे देख लो। तो सबसे पहले रोल नंबर और नाम आपको डालना होगा, वो आप डाल लेना। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं टेबल से। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो टेबल है की जो फिफ्थ वाली रो है ये मर्ज है। ठीक है, ये चीज़ आपको इंस्ट्रक्शन में भी देखने को मिलेगी, आप जस्ट वन बाय वन करके इंस्ट्रक्शन पढ़ते चले जाओ। पहला इंस्ट्रक्शन दिया है, स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम, ओपन न्यू वर्कशीट, इंटर नेम रोल नंबर, फर्स्ट टू रो ऑफ द वर्कशीट एज शोन बिलो। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है उस हिसाब से आप जो है यहाँ पे रोल नंबर और अपना नेम लिख लोगे। उसके बाद जो बाकी चीज़ें वो जैसी दी गई हैं वैसे ही आपको क्या है एंटर कर देनी है, राइट। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, देखो इंस्ट्रक्शन टू में सेट पेपर साइज टू A4। यहाँ पर पेपर साइज आपको A4 सेट करना है, कैसे करोगे उसके लिए पेज लेआउट में जाना है, यहाँ से पेपर साइज पे आएंगे और यहाँ पर आपको इसको A4 कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पे मैनुअली A4 करोगे अगर यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम में हो सकता है A4 ना हो, तो आप उसको A4 कर लेना। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखनी है तो ओरिएंटेशन यहाँ से चेंज होगी, पोर्ट्रेट ऑलरेडी है तो आप पोर्ट्रेट पे रहने दोगे, और मार्जिन नॉर्मल रहेगा तो मार्जिन यहाँ से आपको नॉर्मल कर देना है, राइट। उसके बाद क्या जा रहा है, कंप्यूट द टोटल नंबर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कंप्यूटर टोटल नंबर ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपको कंप्यूट करना है। ठीक, उसके बाद आपसे कहा जा रहा है अप्लाई पेज नंबर इन फुटर, पेज नंबर जो है आपको फुटर में अप्लाई करना है। सेट द एप्लीकेशन फॉर्म इन एल्जीरियन फॉन्ट 15 एंड 12, सेंट्रल लाइन एंड रेस्ट कैलिबरी। ठीक है, अब देखो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म वाला ये वाला सेक्शन है, जो एप्लीकेशन जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म वाला है, इसको आपको 15 रखना है और बाकी को 12 रखना है। ठीक है, हेडिंग जो है वो भी आपको यहाँ पर बताई जा रही है, अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड टोटल एप्लीकेशन लेस देन 60,000 कलर रेड, मोर देन 60,000 ग्रीन। ठीक है, आपको यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगानी है, जिसमें 60,000 जो इससे जो कम है उस पर रेड कलर शो होना चाहिए और 60,000 से अबव जो है टोटल तो ग्रीन शो होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा आपको दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर जो साइज़ दिया गया, यहाँ पर अब यहाँ पर देखोगे तो जो आपको शीट में साइज़ बताया जाएगा उसी के हिसाब से आपको करना है। तो जो हेडिंग है वो 15 रहेगी और बाकी का कंटेंट 12 रहेगा, ये आपको यहाँ पे फॉन्ट दिया, दो ही फॉन्ट दिए गए तो उन्हीं दो के हिसाब से आपको सेट कर देना है। तो जो जो आपका
यहाँ पर कंटेंट रहेगा उसका फॉन्ट कितना रहेगा 12। तो हम पूरी शीट को सेलेक्ट कर लेंगे, पूरी शीट को सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो ट्रायंगल वाला दिख रहा है ऑप्शन, इस पर सेलेक्ट कर देना है। ट्रायंगल टाइप का एक बटन दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे, इस पर आपको सेलेक्ट करना है तो पूरी की पूरी जो शीट है आपकी वो सेलेक्ट हो जाएगी। अब क्या करना है, इसको 12 करना है तो यहाँ पे हम लोग होम पे आ जाएंगे, यहाँ पे इसको हम 12 कर देंगे। मैनुअली आप 12 लिख दो या उसमें सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा साइज क्या आ गया, 12 हो गया, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना ताकि सारी चीज़ें प्रॉपर दिखाई दें, ठीक है। इसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर ये जो हेडिंग रहेगी वो 15 रहेगी, ठीक है। तो हेडिंग को हम लोग 15 कर देते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हेडिंग है 15 है, और बाकी सारा का सारा जो मेन हेडिंग है यहाँ पे वो 15, और बाकी सारी जो हेडिंग है वो सबका 12 है, ठीक है। तो हमें केवल दो ही दी गई हैं, हमें केवल फॉन्ट दो ही दिए गए हैं, तो हम उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे। हमें शीट में दिख रहा है कि जो ये फिफ्थ वाली जो यहाँ पे रो है इसका साइज़ बड़ा है, बाकी सब बराबर है, तो बाकी सबको उसी तरह से हमें एडजस्ट कर देना है, बाकी सबको उसी तरह से ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से क्या करना है, देखो यहाँ पर ये जो सेल है कहाँ तक है, पहली चीज़ तो ई तक है, ठीक है। यहाँ पर इसको देख रहे हो, यहाँ पर ए से लेकर के ई तक है, तो ए से लेकर ई तक आपको सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट वाली को ए से लेकर ई तक सेलेक्ट कर लेना है, मर्ज इन सेंटर पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। साइज़ इसका 15 रखना है तो 1515 कर दो, और यहाँ पर बोला जा रहा है अल्जीरियन रहेगा, इसको अल्जीरियन बोल रख देते हैं अल्जीरियन। इसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि सेंटर अलाइन रहेगा, सेंटर अलाइन ऑलरेडी है, ठीक है। तो जो यहाँ पर चीज़ें बोली जा रही हैं वो चीज़ें आप यहाँ पर ऐड करते चले जाओगे। इसके बाद देख लो बाकी की चीज़ों में क्या करना है। हेडिंग जो रहेगी यहाँ पर बोली जा रही है कि हेडिंग जो रहेगी वो अल्जीरियन रहेगी, ठीक है। तो हेडिंग्स जितनी भी रहेंगी अल्जीरियन रहेंगी, बाकी जो कॉन्टेंट रहेगा वो कैलिबरी यहाँ पर दिया हुआ है तो कैलिबरी रखना है, ठीक है। तो बाकी का यहाँ पर भी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, इसको भी हमें क्या करना है, इसको हम यहाँ पर साइज 12 ही रखना है, बस यहाँ पे चेंज कर देंगे इसका जो है फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट अल्जीरियन रखना है क्योंकि हेडिंग का अल्जीरियन दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसी तरह से इसको सेट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक सिंगल यहाँ पर मर्ज किया गया, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर मर्ज कर देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म वाला जो है दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसके ठीक नीचे जो है ऑनलाइन जो है 65% ऑफ टोटल है और ऑफलाइन है। ऑनलाइन जो है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रैप टेक्स्ट कर देंगे, तो ये उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसको हम यहाँ से जो विड्थ है उसकी यहाँ से सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, राइट। और आपका सेंटर में रहेगा ये, तो सेंटर में कर देंगे यहाँ पर, इसको भी यहाँ पर क्या करेंगे सेंटर में कर देंगे, ताकि इसी तरह से दिखे, जिस तरह से हमें यहाँ पे दिख रहा है उसी तरह से वहाँ भी दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे ताकि जैसा हमें एक्चुअल में दिख रहा है वैसे ही दिखाई दे यहाँ पे भी, ठीक है। जैसे हमारी शीट में दिख रहा है हमें वैसे ही हमारे पास भी दिखाई देना चाहिए। आपको यहाँ पर विड्थ जो है उसकी सेट करनी पड़ेगी। विड्थ सेट करने के लिए मैंने बताया आपको कॉर्नर पर जाके जब एरो आ जाएगा तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको आप एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद देखो ये नेम वाला सेक्शन ये पूरे का कंबाइन है, मतलब इसको हमें मर्ज करना पड़ेगा, तो इस पूरे को हम क्या करेंगे यहाँ से मर्ज इन सेंटर पे क्लिक कर देंगे, और ये फिर सेंटर में इसको ला देंगे, तो इसी तरह से कुछ दिखने लगेगा जैसा इसमें दिख रहा है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म्स हो गया ऊपर, उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन और यहाँ पे ऑफलाइन हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो टोटल भी इसी तरह से पूरा मर्ज है, तो टोटल को भी हम यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज इन सेंटर कर देंगे, और यहाँ से इसको सेंटर अलाइन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज है, उसको भी यहाँ पे हम रैप टेक्स कर देंगे ताकि ये सही तरीके से दिखने लगे, तो यहाँ पे इसको रैप टेक्स कर दो। और कितनी शीट देखो तीनों में कंबाइन है, तो तीनों को पूरे को हमें क्या करना है मर्ज एंड सेंटर कर देना है, तो यहाँ से सेंटर अलाइन कर देंगे, तो एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज सारी चीज़ें उसी तरह से दिख रही हैं। अब देखो ये जो यहाँ पर जो आपको टेबल दी गई है ये एक ऐसी हाईलाइट टाइप की हो रही है, मतलब इस पर हमें बॉर्डर भी लगाना है, तो इस पर हम बॉर्डर लगा लेंगे। यहाँ पर इस पूरे को सेलेक्ट करना है, और इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर्स पे आना है, और ऑल बॉर्डर पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ें ऑलरेडी हो गई हैं, और यहाँ पे आप देख लो यहाँ पर ये जो नेम है सेंटर में अलाइन आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे सेंटर पे अलाइन कर देंगे। ये चीज़ आपको मैन्युअली देखनी पड़ेगी वहाँ पे कौन सी चीज़ें किस तरह से दिख रही हैं, ठीक है।
टोटल भी सेंटर अलाइन है, तो टोटल को भी हम क्या करेंगे यहाँ पे सेंटर अलाइन कर देंगे, राइट। ये चीज़ें हो गई, जो जो चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही थी वो चीज़ें हम लोगों ने कर दी। अब देखो ये बोल्ड भी है, इसको बोल्ड भी करना पड़ेगा। जो चीज़ जैसे हमें दिख रहा है उसी तरह से करते चले जाइए। जो आपको फॉर्मेटिंग यहाँ पर ऑप्शन में जितनी चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे हर चीज़ के, ठीक है, बाकी थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर बोल्ड है, यहाँ पर बोल्ड नहीं है, तो उस चीज़ को अभी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज़, हर एक चीज़ जो है वहाँ पर हो सकता है आपको ना इंस्ट्रक्शन में लिखी जाए, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ेगा, राइट। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें। बाकी जैसे यहाँ पे दिख रहा था उसी तरह से देखो, प्रॉपर दिख रहा है नहीं दिख रहा है उसी तरह से, मतलब उसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, ताकि मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर दिखने लगे, बहुत ज़्यादा वैसा भी ना दिखे। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, राइट, ताकि सारी कोई चीज़ छुपे भी ना और ठीक से आ भी जाए। क्लियर है यहाँ तक? टोटल को थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे ताकि ये प्रॉपर दिखने लगे, थोड़ा सा और इसको हम एक्सटेंड कर देंगे कि ये जो यहाँ पे लाइन दिख रही है प्रिंटेबल एरिया, तो हम आराम से एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने हिसाब से, ठीक है। अब जो हाईलाइटेड सेल है उनको हाईलाइट कर देंगे यहाँ पे, जो हाईलाइटेड सेल है उनको क्या करना है यहाँ से आप हाईलाइट कर दो, ठीक है। जो भी कलर आपको दिया जाएगा वो उसी कलर में आप कर दोगे यहाँ पे हाईलाइट, ठीक है, हाईलाइट भी कर दिया। तो ऑलमोस्ट जैसी हमें शीट दी गई थी वैसे हमने एज इट इज़ बना लिया है। अब आपको क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला लगाना है और जस्ट आपका काम खत्म, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे अब हम लोग, ठीक है। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे समझिए, अब यहाँ पे करना क्या क्या है देखो। यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी दिया हुआ है आपको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यूज़ करनी पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पे नंबर, सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन निकालने हैं। तो टोटल आपको दिया हुआ है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या 65% है टोटल के, तो 65% इसका हमें निकाल देंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, आपको इक्वल का साइन रखना है, उसके बाद हमें क्या चाहिए इसका, इस वैल्यू का 65% चाहिए। तो इसका इनटू करने के लिए हम यहाँ पे जो हमारा एस्ट्रिक वाला साइन यूज़ करते हैं, 65% चाहिए तो 65 और परसेंटेज का साइन कर देना है और एंटर कर देना है। तो ये 65% निकल आया, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 65% हो गया। उसके बाद आप इसको ड्रैग कर दोगे तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएगी। जीरो जो है अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, 10 तक चाहिए या डबल डेसिमल तक चाहिए, डबल डेसिमल पॉइंट तक चाहिए, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो 2 डेसिमल पॉइंट तक मैंने कर दिया है, इट लुक्स नाइस। अब यहाँ पे बची हुई वैल्यूज़ को कैसे निकालेंगे, टोटल ये है, हमने यहाँ पे ऑनलाइन निकाल दिया, ऑफलाइन कितना होगा, तो इसको दो तरह से निकाल सकते हो, इसका आप 35% निकाल लो या फिर इसमें से ये घटा दो, ठीक है, आपको जो सूटेबल लगे आप उससे कर सकते हो। मैं यहाँ पे घटा के कर देता हूँ, टोटल ये है, इसमें से आप फर्स्ट वाली वैल्यू को घटा दोगे तो जो बची वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर कर देना है और इसी चीज़ को ड्रैग कर देंगे, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज निकालना है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस भी आप उसी परसेंटेज के फॉर्म में निकाल सकते हो या ए माइनस बी के फॉर्म में निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल साइन लगाना है, ठीक है, इक्वल साइन लगाइए, ए बी एस एब्सोल्यूट ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस वाली वैल्यू डिफरेंस दिस वैल्यू, मतलब इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस ही चाहिए आपको, ठीक है। तो वो चाहे परसेंटेज के फॉर्म में लो चाहे आप डायरेक्ट डिफरेंस कर लो, एंटर कर दोगे तो यहाँ पे ही डिफरेंस आ जाएगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही है, ठीक है। इसी को ड्रैग कर देंगे तो बाकी की वैल्यूज़ भी कैलकुलेट हो जाएंगी। इसको भी आप 2 डेसिमल पॉइंट तक निकाल लो, जैसा कि आपको आपने यहाँ निकाला है, ताकि देखने में और अच्छा लगने लगे, ठीक है। ये हो गया, इस तरह से हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली है। अब देखो यहाँ पे इसको सेंटर रखोगे कि लेफ्ट में रखोगे, ये कहीं इंस्ट्रक्शन में दिया नहीं गया है, क्योंकि यहाँ टोटल तक तो हमें दिख रहा था ये सेंटर में चल रहा था, बाकी का इंस्ट्रक्शन में कहीं दिया नहीं गया, तो आप उसको एज इट इज़ छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहो सेंटर में करना तो सेंटर भी इसको आप अलाइन कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली जैसे है वैसे ही रहने दो, क्योंकि कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है देखो, अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बस कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही रह गया है। इसमें बोला जा रहा है जो लेस देन 60,000 को रेड कलर से हाईलाइट करना है टोटल को, ठीक है, टोटल एप्लीकेशन को, और जो मोर देन 60,000 उसको ग्रीन कलर से हाईलाइट करना है। तो हम इसको टोटल को सेलेक्ट करेंगे, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स और ग्रेटर देन वाले पे सेलेक्ट करेंगे। अब ग्रेटर देन वाले पे हमें पता है अगर 60,000 से ज़्यादा है तो ग्रीन चाहिए, तो हम यहाँ पे 60,000 जो है प्रेस कर देंगे,
और यहाँ पे किससे करना है हमें, ग्रीन से करना है, तो ग्रीन वाले पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। जो 60,000 के अबव वैल्यूज हैं वो ग्रीन हाईलाइटेड हो गए, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, लेस देन 60,000 में रेड करना है, फिर से पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर हाईलाइट सेल, फिर लेस देन वाले पे आ जाएंगे। अब इसमें भी 60,000 कर देना है और उसके बाद किससे, रेड कलर से चाहिए, तो यहाँ पे आप इसको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। रेड यहाँ पे रेड चाहिए तो रेड वाला दिया हुआ है, ओके कर दो, ये रेड वाले से हो गया, ठीक है। तो ये आप जो है जो आपको ऑप्शंस के हिसाब से जो वैल्यूज बोली जाएंगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, उसके हिसाब से आप उसको निकाल लोगे, ठीक है। तो ये आपकी टेबल हो जाती है कंप्लीट। बस इतना ही काम आपको करना था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, मेन टाइप कर लेना है फटाफट से आपको। कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है, वो तो आप एक से एक मिनट में सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके निकाल लेते हो, फॉर्मूला वगैरह निकाल लेते हो, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जस्ट आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जाओगे उतना बेहतर आप वहाँ पर परफॉर्म कर पाओगे, उतने कम समय में आप परफॉर्म कर पाओगे। इसके बाद जस्ट आपको इसका प्रिंट आउट ले लोगे, प्रिंट आउट के लिए आप जस्ट कंट्रोल पी प्रेस कर लो, तो यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू दिखा देगा, ठीक है। तो जो आपकी शीट जो बन के तैयार होगी तो इस तरह से तैयार होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैं हटा देता हूँ ताकि आपको एक्चुअल में कैसी दिखाई देगी वो समझ में आ जाए, ठीक है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैंने अपने समझने के लिए रखी थी कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पर सिंपली क्या करना है, कंट्रोल पी प्रेस कर दोगे और फिर प्रिंट कर देना है। प्रीव्यू आप देख लो, जो आप प्रिंट अपनी जब आप अपना प्रिंट करोगे डॉक्यूमेंट तो इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो जस्ट आपका नाम, रोल नंबर और जो आपने टेबल बनाई है वो, और इसको प्रिंट कर देना है। प्रिंट करके जो आपके एग्जामिनर होंगे उनको आपको दे देना है, हैंड ओवर कर देना है, बस इतना सा काम रहता है, इतना सा काम आपको करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा किस तरह से आपको बेसिकली फॉर्मूलेज यूज़ करने हैं, और ये जो नए चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ इनको ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपने नहीं कर रखी है, प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, तो हो सकता है आप वहाँ पे भी ना कर पाओ और आपके मार्क्स जो हैं हो सकता है ना उतने अच्छे आपको मिले। तो इस वजह से प्रैक्टिस जरूर करके जाएगा, और मैं आपके CPT होने से पहले पहले हर तरह के सेट्स करा दूँगा जहाँ तक हो सकेगा, तो आप और अच्छे से प्रैक्टिस उसकी कर लो ताकि, ठीक है। तो इसी तरह से अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।